Hi everyone. So in this video, we'll be seeing a lot of GK questions here, and those very important GK points, which is important in recent times, that is current affairs. And we'll be seeing all the connected points to that, whatever points we can connect to that. Okay, basically, so if we'll be covering some, if we try to cover some 30 to 40 MCQs, each MCQ will have at least 5 points, then we can cover at least around 200 good points in that in this video. Okay, in fact, more than, we'll try to cover more than 200 points here. Okay, chalo, let's start now. Okay, dekho, to hame kya pata hai ki India Singapore joint military size Agni Warrior abhi हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे कि चलो क्लास का नहीं करेंगे, ये बिल्कुल न्यू सेशन करेंगे, मतलब इसमें नई नई चीज, मतलब इसमें वापस से सब बताऊंगा, तो एक बार सर रिवाइज हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं. तो इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज अग्नि वॉरियर वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, तो यू नो दैट इट वॉज इन नियर देवलाली इन महाराष्ट्र. तो देवलाली इज द आंसर, डी महाराष्ट्र, ठीक है, इसका आंसर है. और आपको पता है कि अभी कुछ नवंबर दिसंबर में कुछ और मिलिट्री एक्साइजेस हुई थी, उसको आपको नाम याद रखना चाहिए, ठीक है. तो क्या क्या होता है फटाफट बता दो, पढ़ाया हुआ सर मैंने, गरुड़ा शक्ति क्या रखना, ठीक है, गरुड़ा शक्ति इज एक्सरसाइज दैट वी डिड विद इंडोनेशिया, तो ये हमने इंडोनेशिया में किया था, इसलिए हमें इसका प्लेस नहीं याद रखना कहाँ किया था कौन शहर में, ठीक है. तो गरुड़ा शक्ति जो है शक्ति इंडिया इंडोनेशिया का जॉइंट एक्सरसाइज था, ठीक है. फिर हमने एक युद्ध अभ्यास किया था, सो युद्ध अभ्यास वॉज अनदर एक्सरसाइज दैट वी डिड विद यूएस, हमने यूएसए के साथ किया था, इसका हम लोग प्लेस याद रख सकते हैं, ये कहाँ किया था, हमने उत्तराखंड में किया था, ठीक है, दिस हैपेंड इन उत्तराखंड, और बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब हुआ था, जो सॉरी एलएसी है अपना, एलएसी के बहुत ये क्लोज था, अराउंड 100 किलोमीटर, चाइना ने ऑब्जेक्ट भी किया था एक्चुअली में, ठीक है, नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज एलएसी आल्सो. ये एक तो हो गया, एक आपका एक और एक्सरसाइज है यहाँ पे, ऑस्ट्रा हिंद, तो ये तो नाम से आपको याद ही होगा ना, ऑस्ट्रा मीन्स देखो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रा हिंद कहाँ पे हुआ था, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, और ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है, इट हैपेंड इन राजस्थान, ओके, तो ये राजस्थान में हुआ था ये, तो ये भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रा हिंद इन राजस्थान, ठीक है. अग्नि वॉरियर हो गया महाराष्ट्र, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड, गौड़ा शक्ति इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के एक्सरसाइज है, ओके, एंड दैट्स इट, और तो कोई पॉइंट नहीं था, इतना ही ये चीज़ याद रखेंगे, 4-5 चीज़ें काफ़ी हैं इतनी तो, ओके. एक और IS, ये अपना इसका होता है नेपाल के साथ, ओके, सूर्य किरण, नेपाल को नहीं छोड़ेंगे, भले छोटी कंट्री है वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. तो सूर्य किरण विथ इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, ओके, तो ये हमको याद रखना है, ओके. हाँ, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इन दिस हरिमाऊ शक्ति विथ मलेशिया, हरिमाऊ शक्ति विथ मलेशिया. तो देखो ये सब जहां पे ना, जहां पे इंडिया मलेशिया का है, तो जहां पे ये सब नाम, जैसे हरिमाऊ है, अब तुम कैसे गेस नहीं करोगे किसका नाम है, तो याद रखना, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति, सूर्य किरण नेपाल नहीं आता, ऑस्ट्रा हिंद याद रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये है ना, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इन कॉल्ड, एक ऐसे ही कैजक इंड भी करके, तो पता चल ये कजाकिस्तान का है ना, कैजक क्या है, कजाकिस्तान कैसे भी याद रहेगा, ठीक है, बट जो नॉर्मल जहाँ पे नाम इन्वॉल्व है थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है. तो रिमेंबर ऑल दीज सारे नवंबर दिसंबर में हुए हैं, सो बिल्कुल करेंट अफेयर्स में, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है, श्योर तो नहीं बोलेंगे बट इतना मतलब आ जाए, हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. चलो नेक्स्ट मोड, नेक्स्ट वन नाउ, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, विच सॉरी विच स्कीम, सॉरी इट शुड बी विच स्टेट, एक्चुअली किस स्टेट का है, चलिए बता दीजिए, अभी जो स्टार्ट ही किया, आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच, कुछ भी आंसर मत देना, ठीक है, क्या होता है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा में, क्यों होता है, करेक्ट. तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा जो योजना है, ये आपका इनिशिएटिव किसका है, राजस्थान का है, ओके, तो राजस्थान का बेसिकली इसमें, इस डिजिटल सेवा योजना में बेसिकली क्या है, इसका इनिशिएटिव है कि राजस्थान का एक चिरंजीवी हेल्थ प्लान है ना, चिरंजीवी हेल्थ प्लान है, उसमें जितने भी इनरोल्ड वुमेन है, मोर देन 1 करोड़ वुमेन है, सबको एक मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, तो 1 मोबाइल फ़ोन और सबको दिया जाएगा, और उसमें 3 ईयर्स के लिए इंटरनेट फ्री रहेगा, 3 ईयर्स के लिए इंटरनेट फ्री रहेगा, ओके.
तो काइंड ऑफ ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, तुम इसको याद रख सकते हो, तुम इसको यूज कर सकते हो अपने वैट वगैरह में, ठीक है, वैट में यूज कर सकते हो, वैट में, एसे में, ठीक है, अगर कुछ वैट या एसे आता है विमेन एम्पावरमेंट का, तो अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान मेंशन करते हो ना, तो काफी मतलब काफी इम्प्रेसिव होता है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा लाइक यू आर लाइक अवेयर विद करेंट अफेयर्स एक्चुअली, तो इसको वैट में, एसए में, कहीं पे पीआई में, जहां भी कहीं विमेन के बारे में बात हुए तो गवर्नमेंट का कुछ प्लान मेंशन कर सकते हो, है ना, ये सब प्लान मेंशन कर सकते हो, राइट, मतलब गवर्नमेंट का कुछ प्लान विमेन के लिए काफी अच्छा है, तो मेंशन कर सकते हो। एक तो ये हो गया मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना हो गया, है ना, इसके बाद तुम्हारा, हाँ, ये जियो और एयरटेल से मिलकर इन्होंने किया है, ठीक है, यहाँ तो इसमें और भी चीज़ें, तुम अगर कहीं विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आता है तुम यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हो, यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉफी टेबल बुक, है ना, एक कॉफी टेबल बुक जो नीति आयोग निकालता है, इसमें 75 विमेन ऑन्टरप्रेन्योर के बारे में बात किया गया था, 75 विमेन ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉइंट है। आपका ये वाला पॉइंट हो गया, आपका एक और पॉइंट याद है तुम कौन सा था, निवेशक दीदी, ठीक है, तो निवेशक दीदी एक प्लान स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, ये भी एक अच्छा प्लान था निवेशक दीदी, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका क्या था कि विमेन, सारी विमेन को, इनफैक्ट ये तुम्हारा फ्लोटिंग प्लान था कि ये रिवर और लेक में बोट से किया जाएगा, कि भाई आप जितने भी ये क्या बोलते हैं इसमें जो विमेन हैं वहां पे उनको ट्रेन किया जाएगा अबाउट फाइनेंसेस, तो फाइनेंस के बारे में उनको ट्रेन किया जाएगा, और फाइनेंसेस के बारे में ये ट्रेन, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उनको हम बुलाएंगे निवेशक दीदी, ठीक है, तो निवेशक दीदी उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि हमें दीदी क्यों बुलाया जाएगा, जस्ट जोकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे उनको बोला गया था निवेशक दीदी, ठीक है, और अब जब वो, जब उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा निवेशक दीदी का, तो अब ये निवेशक दीदी बन जाएंगी, अब ये बाकियों को ट्रेन करेंगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, उन्होंने उन्होंने जय हो मूवी देखी थी कि आप 3 लोग को थैंक यू बोलो, फिर 3 लोग को और बोलेंगे, फिर 3 लोग को और बोलेंगे, चेन बनता जाएगा, ठीक है, अगेन जोकिंग, तो ये सब पॉइंट, ठीक है, आपको ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट, ठीक है, सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, ये सब ना आप विमेन वगैरह ऐसे में ये सब पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज़ दिस पॉइंट, ओके, तो चलो ठीक है, फाइन, काफ़ी पॉइंट हो गया। राजस्थान के सीएम कौन है, एक राजस्थान के सीएम भी ले सकते हो, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, ठीक है, ही इज सीएम ऑफ राजस्थान, ओके, अभी एक्सपेक्ट में राजस्थान और हरियाणा में ना काफ़ी ये चल रहा है, ठीक है, इनफैक्ट राजस्थान में भी ये सब प्रोग्राम चल रहा था, इनफैक्ट हरियाणा में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, यू नो दैट हरियाणा में भी काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपको कुछ प्लान्स हरियाणा के, यहाँ लिख लूँ, जगह ही नहीं है, अच्छा ठीक है, पहले ये लिख लो, लिखता हूँ आगे मैं, ये क्वेश्चन देख लो, विच स्टेट हैज हायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंजी टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस, ये मैंने ये भी क्लियर कराया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चन के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है, तो बहुत रेयर ही होता है कि कोई स्टेट अगर ऐसा कोई काम करता है कि वो कोई प्राइवेट कंपनी को हायर करता है अपनी ग्रोथ के लिए, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय उत्तराखंड सीएम, उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम है श्री पुष्कर सिंह धमी, पुष्कर सिंह धमी इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, ओके, तो ये यहाँ के सीएम है, ये भी एक आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो सीएम है यहाँ पे और इन्होंने ये सब स्टेप स्टार्ट किया, राइट, तो ये इन्होंने मैकेंजी को हायर किया, जो को आपको पता है कंसल्टेंट कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है मैकेंजी, एमबीए के बाद काफ़ी लोग का ड्रीम कंपनी होता है ये, तो फॉर जीएसडीपी क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डबल करने के लिए हायर किया मैकेंजी को, ओके, उत्तराखंड, जस्ट बताया कि उत्तराखंड में क्या हुआ था, हमारा युद्ध अभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास ऑफ यूएस एंड इंडिया, है ना, जस्ट बताया मैंने, ओके, मैं वही बात बता रहा था कि सब जो आसपास के, अभी जैसे ये तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, इसी में हरियाणा भी एक आता है, इसी में हरियाणा ने भी काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे, मुझे याद आ गया तो मैं ये पॉइंट आपको लिख देता हूँ, ठीक है, एक हरियाणा ने पहला काम क्या किया है कि इन्होंने स्टार्ट किया है ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इन्होंने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, हाँ, पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक बसेस के लिए, ठीक है, दैट इज पब्लिक, जो नेटवर्क, जो आपके रोड्स एंड नेटवर्क होते हैं उनके लिए। सेकेंड, इन्होंने स्टार्ट क्या किया है, निरोगी हेल्थ स्कीम स्टार्ट किया है, इन्होंने स्टार्ट किया निरोगी हेल्थ स्कीम, निरोगी हेल्थ स्कीम क्या होगा, निरोगी हेल्थ स्कीम में 25, करीब 25 लाख लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा, ठीक है, इनका क्या किया जाएगा, फ्री हेल्थ चेकअप, ये भी काफ़ी अच्छा है इनका पॉइंट, ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, तो श्री एम एल खट्टर इज दी
सीएम ऑफ हरियाणा। ओके, तो इन्होंने स्टार्ट किया है। और थर्ड, यहाँ पे एक अभी इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी हुआ था, ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अभी इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी हुआ था, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हरियाणा के बारे में भी याद रख सकते हो, ये भी कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन स्टेट है जो तीन चार अच्छा स्कीम किया भी, मतलब इन न्यूज़ रहा है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, निरोगी हेल्थ स्कीम एंड ओपन लूम टिकटिंग सिस्टम यहाँ चल रहा है हरियाणा में, ठीक है। उत्तराखंड में क्या चल रहा है, मैकेंजी को हायर किया है और पुष्कर धमिया के सीएम है, और यहाँ पे इंडिया और यूएस का युद्ध अभ्यास हुआ था। ओके फाइन, ग्रेट। सरनेम याद रख सकते हो मुझे, इसमें क्या क्या बोल रहे हो? ठीक है, ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये सबने क्वेश्चन ना, ये तो याद हो जाना चाहिए, बताओ उसका आंसर क्या होगा। देर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल पार्ट ऑफ करेंट अफेयर्स, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखेंगे। अभी सब ये सब इवेंट है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का कोई इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का इवेंट हो वो इंपॉइंट हो जाता है, कोई वहाँ का कोई फेमस फेस्टिवल वो और भी इंपॉइंट हो जाता है, ठीक है। लाइक मतलब एनी इवेंट, अगर तुम किसी नॉर्मल स्टेट के बारे में बात करोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन जे एंड के और नॉर्थ ईस्ट से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ, हाँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, नागालैंड का है। और यहाँ पे कुछ फेमस फेस्टिवल आपको और भी याद रखने चाहिए, अगर आपने याद रखा है तो, नागालैंड का एक आध और फेमस फेस्टिवल, दैट इज नगाड़ा, एन मतलब नगाड़ा बोलते हैं, NGADA बोलते हैं, ठीक है, हेगा फेस्टिवल बोलते हैं, मीम कुट बोलते हैं, ये सब यहाँ के फेमस फेस्टिवल जो काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं, दे कम इन डिफरेंट एग्जाम्स, राइट। तो अभी जस्ट हॉर्नबिल हुआ है तो थोड़ा सा इमे भी वो नहीं पूछें, थोड़ा और घुमा के पूछ दे कि और वहाँ के कौन से फेमस फेस्टिवल हैं, ठीक है। और एक और है सुक्रेने, सुक्रेने, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, नगाड़ा, हेगा, मीमकूट, सुक्रेने और हॉर्नबिल, ये नागालैंड के पांच काफ़ी फेमस फेस्टिवल काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आसाम का क्या है, आसाम का एग्जाम में कौन सा आता है, बिहू, तो आसाम का बिहू है जो एग्जाम में बहुत आता है, बिहू, ठीक है। तो आसाम का एक फेस्टिवल है बिहू, और ये पांच नागालैंड के काफ़ी एग्जाम में आते हैं। ओके एक चीज़ मेरे को और याद आया यार, यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, हम लोग उत्तराखंड का डिस्कस कर रहे थे, अभी यहीं पे लिख लेते हैं। ओके, उत्तराखंड में एक और चीज़ वो है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इन्होंने 30% वुमेन के लिए कर दिया रिजर्वेशन, ठीक है। सो 30%, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने 30% वुमेन के लिए रिजर्वेशन कर दिया, ठीक है, दैट इज अगेन उत्तराखंड। ओके, तो ये भी एक न्यूज़ में था, इसको भी याद रखना, इस पॉइंट को भी। ओके ठीक है, हो गया। और तुम्हारा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, असम ना, असम में बिहू हो गया, नागालैंड, अरुणाचल में एक फेस्टिवल हुआ था, इसका नाम था जीरो होता है, ये भी आपका फेमस फेस्टिवल है, इनका नाम याद रखना, जीरो ईजी है, जीरो, ठीक है, ZIRO, तो ये भी यहाँ पे फेमस फेस्टिवल को याद रख सकते हो, ठीक है। फाइन, आगे बढ़े। तो ये भी निकल गया, तो सब ना मतलब हर एक स्लाइड में पाँच छः सात आठ पॉइंट, साइन सारे पॉइंट को याद रखना, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, सारे सात सात पॉइंट को भी याद रखना, इसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके आई देखो, आई है क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट फ्लोटेड बिल टू इम्प्लीमेंट 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट। ओके, दैट इज आंसर इज उत्तराखंड। ओके, तो वही जस्ट डिस्कस ही करते हैं, आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन नाउ। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022? तो वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? हाँ बहुत ज़्यादा, और सी लिख रहा हूँ, लग रहा है सर एक तो आंसर मिला मेरे को, ठीक है, बताओ वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था?
और ये तो ठीक है, इवन यहां पे ये भी सवाल आ सकता है कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? सो व्हेन डू यू ऑन व्हिच डे यू ऑब्जर्व वर्ल्ड एड्स डे? तो इस बार जो वर्ल्ड एड्स डे हुआ था, इसका थीम था इक्वलाइज, ठीक है? कि बेसिकली जो भी एड्स पेशेंट होते हैं उनको वी शुड इक्वलाइज इन सोसाइटी, उसी के लिए थीम था। और वर्ल्ड एड्स जो ऑब्जर्व किया जाता है, जिनका अवेयरनेस फैलाया जाता है, वो किया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है? 1 दिसंबर को, ठीक है? ओके, एवरी एवरी ईयर। हाँ, डेट्स आते हैं एग्जाम में। ओके, ये मतलब लास्ट ईयर तो क्वेश्चन आया था किस में पता नहीं, या तो IFT में था या जैट में था, किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि यूथ डे कब होता है। ओके, यूथ डे। ओके, एक्चुअली यूथ डे का दो चीज़ होता है, मतलब एक तो तुम्हारा एक होता है नेशनल यूथ डे। ओके, तो नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। ओके, और एक आपका होता है इंटरनेशनल यूथ डे। ओके, सो इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। ओके, 12 अगस्त को इट इज़ द इंटरनेशनल यूथ डे। ओके, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, और कुछ बताओ, ठीक है ना? तो ये सब मतलब ऐसे ही आते रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ना काम भर के आते रहते हैं। एक और डेट था 30 नवंबर को, ठीक है? इसको ये केमिकल वॉरफेयर का डेट है, नवंबर का लास्ट डे। केमिकल वॉरफेयर मतलब इसके जो जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं न्यूक्लियर वगैरह का, और उसमें काफ़ी डेंजरस होता है, वो काफ़ी लोग उसमें डेथ कर जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए उनको रिमेम्बरेंस के लिए, ऐसे जो यहाँ पे डेथ वगैरह होते हैं, इनके लिए 30 नवंबर को एक केमिकल वॉरफेयर डे होता है, ठीक है? तो ये सब भी थोड़ा याद रखते हैं, मतलब जो मेन मेन अब याद रखते हैं, ठीक है? कैन रिमेंबर ऑल दिस। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे होता है, 4 दिसंबर इज इंडियन नेवी डे, ये भी याद रख सकते हो, इंडियन नेवी डे, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, और सारे डे वहीं गए ना काम भर के, जो इधर रिसेंटली आए हैं। 12 जनवरी वर्ल्ड नेशनल यूथ डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल, 30 नवंबर केमिकल वॉरफेयर डे, एंड 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। हाँ ठीक है, सारा तो वहीं गया काम भर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एन ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम इन यूजिंग नेशनल मोबाइल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है? जस्ट बताए, बताओ क्या आंसर होगा इसका। जस्ट कवर्ड दिस ना, हरियाणा जस्ट बताया मैंने अभी, कि वो जो वही बता था मैं कि ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम इन्होंने अपने यूज़ किया है सारे अपने अपने ये रोड ट्रांसपोर्ट्स के लिए, ठीक है? दैट इज हरियाणा। तो ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट, राइट? वी कैन मूव ऑन। 3 इंडियन ऑरिजिन वुमेन वेयर सेलेक्टेड एज सुपर स्टार्स ऑफ स्टेम इन विच कंट्री, ये बताइए। 3 इंडियन वुमेन वेयर सेलेक्टेड एज सुपर स्टार्स इन विच कंट्री, ये बताया, पढ़ाया था मैंने क्लास में। फिर रिम्बर मैंने कहा था कि किसी इंडिया का किसी इंटरनेशनल अचीवमेंट को याद रखेंगे। देखो यहाँ पे इसका इसका हाँ करेक्ट, ठीक है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली एक 60 लोग का सुपरस्टार। स्टेम क्या है बेसिकली? स्टेम इज साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये आपका स्टेम है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें बेसिकली एक 60 लोग का ग्रुप बना था, जो सुपरस्टार, जो ने काफी नॉलेजेबल, काफी अच्छा काम किया है इस फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। उसमें 3 इंडियन ओरिजिन वोमेन थे, 3 इंडियन ओरिजिन वोमेन थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है, ये का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कहाँ है, क्योंकि कोई फेमस सिटी नहीं है। नॉर्मल लोगों को ऑस्ट्रेलिया बताते हैं मेलबोर्न है, सिडनी है, ठीक है? तो यह क्वेश्चन बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ पे, बिकॉज में ना मेलबोर्न है, ना सिडनी है, ठीक है, ना पर्थ है जहाँ पे मैचेस होते हैं। ओके, तो इट इज कैनबेरा। तो कैनबेरा इज द कैपिटल
कैपिटल ऑफ, करेक्ट, कैनबरा इज करेक्ट, ठीक है, कैनबरा इज कैपिटल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख जाके कभी एग्जाम में मैंने देखा दो तीन एग्जाम में, ओके, नॉट नॉट सो फेमस सिटी, तो ऐसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, ग्रेट, फाइन, काफ़ी इतना आगे बढ़ते हैं। इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विलेज बंतलाई इन विच स्टेट यूटी, किस स्टेट यूटी बनाया जा रहा है? इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है बोलो, इंपॉइंट से इंपॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आज रिवाइज करा देना हूँ आज सब। हाँ वेरी गुड, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मंतलाई विलेज में ये बनाया जा रहा है, ये बिगेस्ट योगा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, इट्स आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 9800 CR, ठीक है, वर्थ का प्रोजेक्ट है, इट्स द बिगेस्ट योगा सेंटर, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके, ऑल्सो यहाँ पे एक दो चीज़ और याद रखना कि जम्मू कश्मीर में अभी वजन जस्ट बताया स्टार्टिंग में कि जम्मू कश्मीर में वो लेक्स वगैरह पे फ्लोटिंग वाला प्लान बनाया गया है, वो जो मैं बड़ा बताया था निवेशक दीदी वाला, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है और इम्पॉर्टेंट है। हाँ लास्ट में भी कुछ एग्जाम्स थे तो उसमें क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए थे तो ये वाला क्वेश्चन कि निवेशक दीदी किस स्टेट का प्रोग्राम है, तो वही मैंने बताया ना कि वीमेन को ट्रेन किया जाएगा फाइनेंशियल के लिए, और वो जो फाइनेंशियल चीज़ें वो जो फाइनेंशियल जब सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन कर लेंगी तो उनको बनना बनाया बनाया जाएगा निवेशक दीदी, ओके, और फिर वो बाकियों को फिर ट्रेन करेंगे, ओके। विच पब्लिक सेक्टर हैज रेज्ड रुपीज 1000 crore थ्रू इट्स मेडन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू, ठीक है, अभी नहीं आएंगे यार, ऑब्वियसली कौन सा ऐसा स्टेट कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने रेज किया है ये, ओके, अच्छा ए कहाँ यार तुम लोग ऐसे ही मुझे, क्या लेंगे और डालेंगे, इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेज किया है 1000 crore थ्रू इट्स मेडन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू, इन्होंने पब्लिक बॉन्ड इशू किया था, ठीक है, तो उसके अब डिटेल में नहीं आएंगे, ठीक है, जाएंगे GDPI क्लास में, क्या होता है बॉन्ड वॉन्ड कैसे इशू होता है, ओके, सब पढ़ेंगे GDPI में, तो 10000 CR का यहाँ पे इन्होंने इसके थ्रू रेज किया है, ठीक है, पैसा, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और तो बैंक में कोई पॉइंट क्वेश्चन नहीं है, को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, और कोई पॉइंट नहीं है, फाइन, आगे बढ़ो। विच सिटीज़ आर रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022? यस, ये बताओ कौन सी सिटीज़ हैं यहाँ पे, नहीं हेडक्वार्टर क्या ही आएगा, विच सिटीज आर रैंक एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीजेस, सोचो तो एक लॉजिकल तुक्का मारो, ये कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर है न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, ठीक है, तो कौन सिटीज एट द टॉप ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसके इन लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया है, तो सबसे वर्ल्ड की 2 कॉस्टलीस्ट सिटीज हैं न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, दीदा दी कॉस्टलीस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, यानी याद रख सकते हो, ठीक है, डेटा टू रिमेंबर, डेटा टू डिस्कस होते कहीं बैठोगे तो कुछ बात होना चाहिए, न्यूयॉर्क और महंगा है या न्यूयॉर्क, कोई बोलेगा न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसे तो पता होना चाहिए सब चीज़ें, कोई फ्रेंड बोलेगा न्यूयॉर्क जा रहे हैं और मत जाओ, ठीक है, बहुत महंगा है, मना कर दो, ये अच्छा दिल्ली में रहो, अच्छा चलो, ये तो और ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, ज़्यादा ध्यान रख लेना, ठीक है, फाइन। विच कंट्री एक्सटेंडेड $3 billion डिपॉजिट टर्म टू पाकिस्तान, यस, ये बताओ, अब बताए इसमें ऑब्वियस आंसर नहीं है इसमें तुम लोग का, इट्स नॉट द ऑब्वियस आंसर, यस, इसका आंसर है सऊदी अरबिया, ठीक है ना,
तो बेसिकली एक्चुअली पाकिस्तान ने यहाँ पे रिक्वेस्ट, इसका ऑब्वियस आंसर चाइना होना चाहिए था, बट चाइना नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको अपना फॉरेन एक्सचेंज सर्विस बचाना है, ठीक है, हम डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो इसलिए सऊदी अरबिया ने क्या किया कि अपना US$3 बिलियन डिपॉजिट जो है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो दैट्स इट, और कुछ पॉइंट तो है नहीं। और कोई क्वेश्चन क्या आता है? अरे तो वैसे ही है ना, उसको कभी चाइना सपोर्ट करता है, कभी उसको यूएई सपोर्ट, सॉरी सऊदी अरबिया उसको सपोर्ट करता है। ओके तो ऐसे ही चल रहा है उसका, और क्या, आज मिला जुला काम चल रहा है, जुगाड़ू है ये लोग। हर एक ना गवर्नमेंट ऑफिस में पता है एक बंदा होता है इस टाइप का, अपने खर्चे नहीं करने होते, सबसे करा लेता है, उधर उधर का कंट्री है। ओके पता नहीं, पहले नॉर्मली पाकिस्तान से क्वेश्चंस तो क्या ही आएंगे, ठीक है। मान लो पीएम पूछ सकते हैं, तो इसका पीएम याद रखना, शहबाज शरीफ यहाँ के पीएम है, तो शहबाज शरीफ इज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, ये इनके पीएम है यहाँ के, तो पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और कुछ ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है, ज़्यादा कुछ जानने लायक भी नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एडिड की एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप एंड इट्स अल कायदा ब्रांच टू लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट? क्या ही किया ऐड करके, इसका आंसर यूएसए है, ठीक है, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का, अभी ऐड किए जाके। दे वेरी लेट टू रिएक्ट, सो दे हैव एडेड दिस अल कायदा टू इट्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है, जिसको यूएसए याद रख सकते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, इज इन न्यूज़, बहुत ही आजकल न्यूज़ में भी था ये चीज़, तो इसलिए आराम है ना। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से होता है रिलेटेड, ठीक है, क्रिकेट के बारे में है ये, क्रिकेट इंडिया का ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट टाइप होता है ये, ठीक है, इट्स अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑफ इंडिया, और अभी जस्ट खत्म हुआ है ये। ओके तो इस और से रखना, हालांकि इसको जीता है सौराष्ट्र ने, बट उसको याद नहीं रखना है, नथिंग टू रिमेंबर ऑल्सो। ओके तो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि सॉरी, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं ऑफ बीट सा, कि कोई तुम्हारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन सा है, तो हमको पता है कि टेस्ट का होता है रणजी ट्रॉफी, है ना, तो रणजी इस ट्रॉफी इज फॉर टेस्ट, वन डे इंटरनेशनल का होता है विजय हजारे। ओके तो रणजी का भी कॉमन है, ठीक है, और ये तुमको भी, तुमको विजय हजारे का कॉमन नहीं है, इसलिए इसको ध्यान ध्यान रखना। ओके अभी जस्ट खत्म हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ करेंट अफेयर्स ओनली। ऑफबीट क्वेश्चन करके मिल जाते हैं ऐसे ही, कोई आ जाएगा टूर्नामेंट। ओके जैसे अभी तुमको पता है कि ऑल इंडिया चेस ओलंप सॉरी ऑल इंडिया बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। ओके तो यू नो दैट इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड रिसेंटली अभी जस्ट खत्म हुआ था, तो 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक है। इट हैपेंड इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, ठीक है, महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोलते हैं इन तमिलनाडु, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तो ये रिमेंबर दीज थिंग्स राइट। ओके इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड, और इसमें तो कुछ क्या ही क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्पोर्ट्स को सोचो। कुछ और बनेगा तो याद कर लेंगे। ठीक है, कोई फीफा से बनेगा फिर तो। ओके हाँ, इसका मैस्कट, करेक्ट, इसका मैस्कट याद रखते, ठीक है, इसका मैस्कट, इसको इसके मैस्कट को बोलते हैं थम्बी, ठीक है, थम्बी इज द मैस्कट फॉर दिस इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का मैस्कट था थम्बी था, ठीक है। और बाकी तो फीफा वर्ल्ड कप तुमको याद ही होगा, ठीक है, सो फीफा वर्ल्ड कप इट वॉज लाइक कटार में हुआ था, है ना, ठीक है। और फीफा का मैस्कॉट क्या है, लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, ठीक है, फीफा का मैस्कॉट क्या है? इट्स कॉल्ड लाइव, लाइव, ठीक है,
लाइव इज द मैस्कॉट फॉर फीफा, तो सब ठीक है, बस बाकी बताई है। अर्जेंटीना वॉन द टूर्नामेंट, अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल हुआ था, ठीक है। गोल्डन ग्लव मिला मार्टिनेस को, गोल्डन बॉल मिला मेस्सी को, गोल्डन बूट मिला एम्बाप्पे को जो फ्रांस का प्लेयर है। ओके ठीक है, रिमेंबर ऑल दिस, फाइन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इशू सॉल बॉन्ड एनएफटी टोकन टू इट्स आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट मेंबर्स, ठीक है। देखो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। सो तमिलनाडु इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तमिल, अच्छा तमिलनाडु छूट गया, ओके कोई नहीं, बुरा मानने का बात नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वॉज जस्ट टाइपो, ठीक है। तमिलनाडु का नाडु छोटा है, वेस्ट बंगाल का बंगाल छोटा रहता है। तो इट्स ओके, तो तमिलनाडु इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और स्पेसिकली ये क्या है ना कि वहाँ की एक यूनिक इनिशिएटिव था, ठीक है। वहाँ की जो कंपनी है, सॉरी वहाँ की जो पुलिस है, उनका एक यूनिक इनिशिएटिव था कि जो भी अपने आउटस्टैंडिंग टीम मेंबर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको एनएफटी है, दैट इज नॉन फ्यूजिबल टोकन, ओके। सो दे प्रोवाइड नॉन फ्यूजिबल टोकन टू देयर टीम मेंबर्स एक्चुअली, ओके। और इसकी एक इन्होंने इसके साथ एक कंपनी से लिंक किया था, किसके साथ किया था, गार्जियन लिंक के साथ। इन्होंने गार्जियन लिंक के साथ इन्होंने इसको पार्टनरशिप किया था, ठीक है, जो कि दिस टोकन्स आर बेसिकली मेड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ठीक है, जिस पे क्रिप्टो बना हुआ था। और ब्लॉकचेन ये ना तो तुम किसी को दे सोल्ड कर सकते हो, ना तुम किसी को किसी से बाई कर सकते हो, ना तुम इसे एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। यू कॉन्ट डू एनी थिंग, ठीक है। तो ना तुम इसको सो ना यू कैनॉट सेल दिस, यू कैनॉट मूव टू अनदर ब्लॉकचेन वॉलेट, ठीक है। तुम इसको किसी और ब्लॉकचेन वॉलेट में मूव भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, कैन नॉट मूव हियर, ओके। सो दिस इज दी दिस आंसर इज तमिलनाडु हियर। अच्छा मतलब आपको बेनिफिट इसे लिए क्या है कि इन्होंने इसको दिया है, तो लाइक कीप इट लाइक कि इसको एज अ मतलब एज अ मेमोरी इसको रखिए, ठीक है। डोंट सेल, ट्राई टू सेल इट ऑफ, डोंट ट्राई टू, बेसिकली बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लोगों को दिया जा रहा है, जिनका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, सो इट्स वेरी प्रीशियस थिंग, कीप इट टू यू एज अ अवार्ड, राइट, यू कैन कीप इट एज अ अवार्ड, ओके। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, करेक्ट, एज अ मेमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंगर वैली नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कैंगर वैली नेशनल पार्क क्यों न्यूज में था और किस स्टेट में है, बताओ। देखिए न्यूज देख रहे हो, तुम्हें आइडिया होगा। देखो एक्चुअली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्वे चल रहा था अभी, ठीक है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देखो एक्चुअली कांगेर वैली नेशनल पार्क काफी इज ना इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ये अभी फिलहाल न्यूज में भी था और काफी फेमस भी है, ठीक है। क्योंकि ना एक छत्तीस जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है हील माइना, ओके। सो हील माइना इज द हील माइना, द हील माइना बोलते हैं, द हील माइना इज द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये इसका बेसिकली होम बोला जाता है, ठीक है, इन जो ये जो स्टेट बर्ड होती हैं, इसलिए इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे काफ़ी अभी सर्वे और तो काफ़ी न्यूज़ में था कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, राइट, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में अगर नेशनल पार्क का बात करोगे तो दो यहाँ पे और बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में ही है, एक है तुम्हारा इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है आपका यहाँ पे गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये दो है जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया और एक आपका इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, ओके। क्या बोलो, ठीक है ना, चलो। और कुछ छत्तीसगढ़ के साथ और कहाँ से न्यूज़ में था छत्तीसगढ़? आई डोंट थिंक, नहीं ना, ठीक है।
चलो देखिए, मूव ऑन. विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ दिव्यांग डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज. अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, सो कोई दिव्यांग डिपार्टमेंट विद वेलफेयर ऑफ, बताओ कौन सा होगा ये. छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बोलते हैं यार, लिख लो क्लियर चाहते हो तो. छत्तीसगढ़ सीएम इज भूपेश बघेल. ठीक है, श्री भूपेश बघेल. ओके okay. हाँ, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिन्होंने दिव्यांग डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ, मतलब जो भी है ठीक है, विथ डिसेबिलिटी. मतलब काफ़ी बड़ा स्टेप है ये एक्चुअली में, और इन्होंने बहुत सारे, मतलब आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2000 न्यू पोस्ट बनाए हैं ऐसे लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं. इनको दिव्यांग बोलते हैं. तो दिव्यांग डिपार्टमेंट इसको स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने. ठीक है, सो महाराष्ट्र हैज स्टार्टेड दिस. इज एन इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, इट कैन बी लिटरली आस्क्ड. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है. ठीक है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, किसी में पूछे जा सकते हैं इसको एक्चुअली में. ओके फाइन, ओके ठीक है, और कुछ नहीं, फाइन. सेमेरो वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सेमेरो वोल्केनो अभी न्यूज में जस्ट इरप्ट हुआ है, बताओ किस कंट्री में. अब जस्ट आया था अभी न्यूज में, बहुत न्यूज में चल रहा था अभी. इट वॉज इंडोनेशिया. ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था. जावा आइलैंड इंडोनेशिया. जावा आइलैंड इन इंडोनेशिया. ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है. जकार्ता. जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया. ठीक है, इंडोनेशिया से के आसपास और क्या क्वेश्चन बनता है. एक कभी, हाँ एक वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, इंडोनेशिया के पास ही एक और इंडिपेंडेंट कंट्री है, कैम्बोडिया. ठीक है, सो कैम्बोडिया एक वहाँ पे कंट्री है, और कैम्बोडिया में लार्जेस्ट टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है हमारा, दैट इज कॉल्ड अंकोर वॉट. अंकोर वॉट इज दी वेरी फेमस टेम्पल इन कैम्बोडिया. बहुत बड़ा टेम्पल, इनफैक्ट लार्जेस्ट टेम्पल है ये. ठीक है, ये कैम्बोडिया आइलैंड में है, इंडोनेशिया के बगल में है. ठीक है, एंड ये तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया से ये सब क्वेश्चंस बन जाते हैं, साउथ साउथ ईस्ट एशिया में जो भी ये सब कंट्री है अपने, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया. ओके इनफैक्ट आई, अच्छा साउथ ईस्ट एशिया में एक और भी चीज़ पे क्वेश्चन आया था यहाँ पे, तुमको याद होगा. क्या तुमको याद होगा कि IFT में आया था ना, साउथ ईस्ट का अगर बात करें तो, कि G20 का समिट जो हुआ था वो बाली में हुआ था, है ना, बाली में हुआ था. ओके G20 का समिट बाली में हुआ था अभी रिसेंटली, राइट. तो ये IFT में आया था, तो अगर जैटर ने IFT का पेपर नहीं देखा होगा तो यहाँ भी डाल सकते हैं क्वेश्चन, देखे हो नहीं डालेंगे. ओके, साउथ ईस्ट एशिया और तो कुछ नहीं है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके फाइन, यहाँ पे ये है, तुम ये याद रख सकते हो. साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में ये है, दिस इज इंडियन एशिया डेवलपमेंट बैंक है ना, दैट इज इन साउथ ईस्ट एशिया. तो यू कैन रिमेंबर दैट. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. इस ये भी आता है एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में, है ना, फिलीपींस मनीला. मनीला फिलीपींस लेना चाहिए, मनीला इज इन फिलीपींस. ठीक है नहीं, ADB ब्रिक्स का नहीं है, उल्टा जो मत कर देना. ओ ADB ब्रिक्स का है ना, NDB है ब्रिक्स का. ब्रिक्स का जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. इनका जो बैंक है NDB बोलते हैं, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है,
इसका शंघाई में हेडक्वार्टर है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत लोग, ये लोग बहुत फाइनेंस करते हैं यार। इन्होंने फाइनेंस किया तमिलनाडु में मेट्रो के लिए, आसाम में पावर ब्रिड्स के लिए, ठीक है, इन्होंने बहुत फाइनेंस किया हुआ है। इंडिया के मल्टीपल प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं ये लोग, एडीबी और एनडीबी। सो एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो यू कैन रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, आप याद रख सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है। और तो साउथ एशिया में कुछ खास नहीं है, हो गया, खास नहीं है इतना, आगे बढ़ो। विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%। किस स्टेट ने यहाँ पे किया है, सॉरी सॉरी, यस, इंडोनेशिया का। अब नया, करेक्ट, अब नया कैपिटल नुसंतारा हो गया, आई शुड करेक्ट इट, ठीक है, जगह जगह अब नुसंतारा हो गया। नुसंतारा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ओके, नुसंतारा, NUSANTARA, नुसंतारा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ओके, यस, ठीक है। विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज रिजर्वेशन इन दिस स्टेट टू 76%, ठीक है। तो कौन से स्टेट में अभी आपका 76% रिजर्वेशन हो गया है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ओके, क्या बोल रहे हो, नहीं मैं वही ये चेक करूँ कि नुसंतारा ऑफिशियली हो गया है ना, मतलब प्रपोज था वो ऑफिशियली आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे लोग न्यू और ओल्ड का कैपिटल करके पूछेंगे, ठीक है, द लास्ट फॉर न्यू एंड ओल्ड कैपिटल ऑल्सो, तो इसलिए हमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, वी डोंट नीड टू सी दैट पार्ट। ओके, ठीक है, फाइन, इट्स ओके, याद रखना, न्यू कैपिटल नुसांतारा है, ओल्ड कैपिटल जकार्ता है, ठीक है, पूछेंगे तो ध्यान रखना, फाइन। तो इसका तुम्हारा वही 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 बोल रहा हूँ कि अभी तक बेसिकली प्रपोज्ड कैपिटल है नुसांतारा, प्रपोज्ड कैपिटल है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, आगे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दे कैन आस्क यू प्रपोज्ड कैपिटल, दे कैन आस्क, दे कैन यूज दिस वर्ड लाइक जकार्ता इज स्टिल द कैपिटल राइट नाउ, नुसांतारा इज द प्रपोज्ड कैपिटल, ठीक है, प्रपोज्ड कैपिटल है, मतलब बन जाएगा अभी, ओके, अगले 1-2 साल का टारगेट डीएनओ ने बन जाएगा। ओके, ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच स्टेट हैज पास बिल टू रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%, छत्तीसगढ़। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं चेंज किया, सेट, ठीक है, इसका इसका आंसर जो है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर, एक्चुअली ये कुछ टाइप हो गया था, छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ में 76% अब से रहेगा रिजर्वेशन। ओके, इसका ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ का आंसर। ओके, फाइन, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट होस्ट दिस सिल्चर सिलहेट फेस्टिवल। सिल्चर सिलहेट फेस्टिवल कौन होस्ट करता है, बताओ आंसर। तुक्का नहीं मारा ऐसे, तुक्का मारते रहते हैं बैठ के। ठीक है, करेक्ट, देखो इसका आंसर है आसाम। तो आसाम में है सिल्चर सिलेट फेस्टिवल होता है, हुआ है, जो कि बेसिकली सिलहेट इज लाइक इज अ टर्म यूज फॉर बांग्लादेश, और ये सिलचर आसाम में जगह है, बेसिकली आसाम में एक बराक वैली है, तो यहाँ बराक वैली के लोग और यहाँ पे सिलहेट के लोग, ये लोग मिलके इनके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सिलचर सिलहेट फेस्टिवल इन आसाम, ठीक है।
तो आसाम में ये किया जाता है। ओके ऑल्सो वही बता मैं बताता हूँ आसाम के, बताएं कुछ बात बता बात करोगे तो तुम बताइए। यहाँ बिहू डांस फेमस है, ठीक है, बिहू डांस का ही फेमस है। यहाँ के सीएम भी नाम याद रख सकते हो, सीएम का नाम है हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है, हिमंता बिश्वा शर्मा कि यहाँ के सीएम का नाम है, आसाम के सीएम का नाम है हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। और आसाम में काफ़ी फेमस नेचर पार्क है, अभी बहुत एग्जाम्स में आता है हमेशा ये। यहाँ पे आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। एक मानस नेशनल पार्क है आसाम में, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। ओके मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है तो बहुत सारे, बट मतलब वहाँ पे और भी देखोगे तो मतलब एक ओरांग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओरांग नेशनल पार्क बोलते हैं उसको, ठीक है। बट काजीरंगा और मानस काफ़ी फेमस है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। ओके यहाँ पे राइनो, बल्कि काजीरंगा जो है ना बहुत फेमस है राइनो के लिए, वन नॉन राइनो के लिए, राइनो, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया? बताइए तुमको, ये भी पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। उदयपुर इसका आंसर है ना, उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, और सिटी ऑफ लेक्स में दिस इज ये क्या बोलते हैं G20 शर्मा, मतलब G20 का प्री मीटिंग था उदयपुर में हुआ था, जहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्लानिंग प्लानिंग डिस्कस किया गया था। ओके G20 का एक्चुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ था, G20 का मीटिंग हुआ था बताना भी, हुआ था बाली में, G20 का मीटिंग बाली में हुआ था। ओके बट ये इसका शेरपा प्री मीटिंग था, और हमारे इसके शेरपा है अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। ओके G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर इज इन राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में है। ओके शुड नो दिस, अच्छा जगह है घूमने जाओ, मस्त जगह है। विच स्टेट इंक्रीज द मंथली एड फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फ्रॉम 1,000 to 1,500 रुपीज़? G20 एक 20 कंट्रीज का ग्रुप है जो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम करता है अलग अलग तरीके से। ठीक है इसका आंसर बेसिकली क्या है, इसका आंसर तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु ने क्या किया है, मंथली एड इंक्रीज कर दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज 50% से इंक्रीज कर दिया है इन्होंने, ठीक है, पहले 1,000 था अब 1,500 है। तो तमिलनाडु इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तमिलनाडु में एक और पॉइंट ये, तमिलनाडु तमिलनाडु में मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तमिलनाडु में, इसके लोन दिया है ADB ने, दैट इज अभी हम लोग बात करें ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लोन दिया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके यू कैन रिमेंबर दिस, दैट्स फाइन। तमिलनाडु में भी बताया मैंने, जस्ट बताया तमिलनाडु के बारे में बताया कि यहाँ पे इसका इसकी एक इसका एक सिटी है महाबलीपुरम, वहाँ पे भी इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, महाबलीपुरम में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ था अभी, जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है, अभी करंट अफेयर में ही आएगा। ओके फाइन, ठीक है, पॉइंट है। व्हेन इज द इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में? ठीक है, दैट इज 4 दिसंबर, दैट 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर इज द इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व इन इंडिया, ठीक है। और हाँ ठीक है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर है, आसपास का डेट मैंने बताई, 1 दिसंबर वॉज वर्ल्ड एड्स डे, 30 नवंबर वॉज केमिकल वॉरफेयर डे, है ना, ऑल दी डेट तुमको मैंने बताई मैंने। ओके यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हो कि जैसे 2nd और 3rd दिसंबर को, इनफैक्ट 3rd दिसंबर इज अ मेजर डेट, 3rd दिसंबर को भोपाल वो जो भोपाल का जो गैस इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, भोपाल ये भी एग्जाम में बहुत आता है, भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था। ओके और इसमें इसमें जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी लीक थी, गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड ऑन 3rd जनवरी,
सॉरी 3 दिसंबर, 2nd एंड 3rd दिसंबर, 3rd दिसंबर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसिनोनेस में गैस रिलीज, तो यही December 1, 2, 3 के आसपास के, तो याद रखते तो फाइन, ग्रेट। ओके आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रिसेंटली गॉट ओवर ₹10.5 लाख इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ड्यूरिंग इस स्टेट ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक्चुअली, इन्होंने स्टार्ट किया था, एमआईओ कॉन्क्लेव लिया था, ठीक है। एमआईओ कॉन्क्लेव दैट इज मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, मेक इन ओडिशा, ठीक है। तो ये ओडिशा में बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लाना चाह रहे थे, काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट हुआ ये, और इसमें 10.5 लाख करोड़ का यहाँ पे तुमको इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। हाँ 10.5 लाख करोड़ का हुआ था, मेक इन ओडिशा, ठीक है। मतलब इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ी ग्रुप है, यूके बेस्ड एक कंपनी है, एक यूके बेस्ड कंपनी है, एम रैम एंड एस रैम बोलते हैं उसको। ओके इन्होंने 2 लाख करोड़ का, ठीक है, सेमी कंडक्टर यूनिट बैठाएंगे ओडिशा में, इनको लैंड दिया गया इसके लिए, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट दिया है, बहुत बड़ा सेमी कंडक्टर यूनिट बैठाएंगे ये लोग, प्लांट बेड लगाएंगे उड़ीसा में, ठीक है, फैक्ट्री बनाएंगे इसकी। तो बहुत, ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, अच्छा था काफ़ी इनफैक्ट। और तुमको पता ही है कि सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री क्यों बैठाएंगे अभी ये लोग, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है हमारा, देखते हो कि अभी जो इनफैक्ट हर एक कार में सेमी कंडक्टर का यूज़ होता है, कार में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो कार का सारा डिलीवरी डिलेड है, डिलेड है, डिलेड है, डिलेड है इस कारण से, है ना। और वहाँ पे लोग कार का 6 6 महीने डिलीवरी टाइम है, कुछ कार्स की 1 ईयर डिलीवरी टाइम है, ठीक है, सेमी कंडक्टर मार्केट में शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये लोग कि बेसिकली क्या करेंगे कि ये लोग यहाँ पे सेमी कंडक्टर यूनिट लगा रहे हैं इंडिया में। ओके प्लांट लगा रहे हैं इंडिया में, एक प्लांट लगा रहे हैं लोग इंडिया में, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। दैट इज मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव, ठीक है। चलो फिर करेंगे फिर क्लास में, बाकी किया जाएगा स्पेशल क्लास में, है ना। बहुत क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी पॉइंट्स याद कर लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते रहना। फिर कल एक स्पेशल क्लास करेंगे जीके का, उसमें भी और बहुत सारे पॉइंट कवर कर लेंगे। ओके सो जैट में इतना कर लेंगे, तुमको जैट में इंटरव्यू में एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करके आ जाओगे, 25 क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है, दैट वुड बी फाइन। ओके एंड ऑल्सो गाइज, एनी ऑफ यू लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर CAT 23, और यू कैन जस्ट पास दिस मैसेज टू CAT 23 एस्पिरेंट्स, वी हैव दिस डिस्काउंट्स हियर, सो दिस आर द प्राइसेज राइट नाउ। ओके सो अराउंड आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड रवि रोधा, यू विल बी गेटिंग दिस डिस्काउंट हियर। ओके एंड यू कैन लुक एट लुक टू इनरोल इन दीज बैचेज, माई बैचेज विल बी स्टार्टिंग सून, वन इज अराउंड फॉर LRDI एंड फॉर LRDI अराउंड 10th or 11th of January विल बी स्टार्टिंग, हाँ, एंड देन आई बी स्टार्टिंग क्वांट, इन क्वांट आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम अरिथमेटिक। ओके सो दीज आर द प्राइसेज एंड दिस ऑफर इज टिल January 6, सो एनी ऑफ यू वॉन्ट टू इनरोल इट, यू कैन इनरोल यूज इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड। ओके थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।